नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। दोस्तों, एक्यूप्रेशर की चिकित्सा पद्धति के बारे में हमने काफ़ी कुछ सुना और देखा है, किंतु क्या आप जानते हैं कि इसका मूल भारतीय वैदिक संस्कृति की चिकित्सा पद्धति में है? चलिए जानते हैं इस चिकित्सा के इतिहास के विषय में, वैदिक संस्कृति में इसके क्या उल्लेख हैं और आज के आधुनिक समय में इसके क्या चलन हैं। दोस्तों, भारतीय चिकित्सा पद्धति की बात करें तो हमें आयुर्वेद के साहित्य का संज्ञान लेना पड़ेगा। आयुर्वेदिक साहित्य में धन्वंतरी, पतंजलि, वाग्भट, सुश्रुत संहिता, चरक संहिता, इन सब का योगदान रहा है। इन साहित्य में एक्यूप्रेशर की चिकित्सा को मर्म चिकित्सा कहा गया है, जिसमें मर्म का अर्थ शरीर के मर्म स्थान को बताया गया है। आयुर्वेद के अनुसार मर्म शरीर के वे बिंदु हैं जहाँ प्राणों का वास होता है। शरीर के 107 मर्म बिंदु होते हैं, जिसे उत्प्रेरित करने से शरीर की सुप्त ऊर्जा को जागृत किया जाता है। इसीलिए मर्म स्थानों को नाड़ी समूह या नाड़ी मंडल भी कहा जाता है। सुश्रुत संहिता में दी गई मर्म की परिभाषा के अनुसार, मर्म स्थान शरीर के वे स्थान हैं जहां मांस, स्नायु, शिरा, अस्थि और संधि का संगम होता है। मर्म चिकित्सा आयुर्वेद में बताई गई विश्व की प्राचीनतम पद्धतियों में से एक है। धन्वंतरी और पतंजलि के साहित्य में यह चिकित्सा पद्धति का हजारों वर्षों से किए जाने वाले प्रयोग के विषय में स्पष्ट वर्णन मिलता है। महर्षि सुश्रुत ने सर्वप्रथम शल्य तंत्र के आधारित सिद्धांतों का प्रतिपादन किया था, जिसमें शल्य चिकित्सा के दौरान कुछ मर्म स्थानों को बिल्कुल भी आघात न पहुंचे ऐसे कहा गया है, क्योंकि शरीर के कुछ मर्म स्थान ऐसे होते हैं जिससे मृत्यु भी हो सकती है। मार्शल आर्ट्स का अभ्यास करने वाले शिष्यों को भी इस मर्म स्थान के विषय में जानकारी दी जाती है। शरीर के विभिन्न मुख्य अंगों की तकलीफ के लिए विविध मर्म बिंदुओं को उनके नाम से जाना जाता है, जैसे बस्ती मर्म, गुदा मर्म, हृदय मर्म, क्षिप मर्म, सिर मूल, कपूर मर्म, मणिबंध, जानु मर्म, नाभि मर्म, फणा मर्म, उर्वी मर्म इत्यादि। आयुर्वेदिक पद्धति में शरीर की चिकित्सा शरीर के प्रभावी दोष अर्थात कफ, पित्त और वात के असंतुलन के आधारित होती है, और इनको संतुलित करने के लिए मर्म चिकित्सा का व्यापक उपयोग होता रहा है, क्योंकि लगभग सभी शारीरिक व्याधि का मूल कारण इन दोषों के असंतुलन को बताया गया है। कुछ मेडिकल अध्ययन ने बताया है कि मर्म चिकित्सा से उल्टी, पीठ का दर्द, तनाव, सिरदर्द, पेट दर्द जैसी तकलीफों में राहत मिलती है। मर्म स्थानों को सक्रिय करने से शरीर की प्राण ऊर्जा को संतुलित किया जा सकता है। विविध योग मुद्रा यही विज्ञान पर आधारित है, जो ध्यान के अभ्यास में प्राचीन काल से उपयोग में लिया जाता रहा है। इतिहास कहता है कि आयुर्वेद मानवता की प्राकृतिक चिकित्सा पद्धतियों और परंपरा में सबसे पुराना और सबसे सुविकसित है। कुछ इतिहासकारों का यह मत है कि मर्म चिकित्सा की इस प्रणाली को विशेष रूप में बौद्ध भिक्षुओं द्वारा भारतीय विश्वविद्यालय तक्षशिला में सिखाया जाता था और अभ्यास किया जाता था। उसके बाद यह चिकित्सा पद्धति ईसा पूर्व 6 में बौद्ध आंदोलन के माध्यम से लद्दाख के मॉन्टेसरी में संभाल कर रखा गया था, जो बौद्ध धर्म के फैलाव के साथ चीन, जापान, कोरिया जैसे दुनिया के अन्य देशों में प्रचलित हुआ। चीन में इसके अभ्यास और रिसर्च में काफ़ी सहयोग मिला, जो आज एक्यूप्रेशर और एक्यूपंचर की चिकित्सा पद्धति के रूप में प्रचलित है, जिसमें मर्म स्थान के लिए एक्यूपॉइंट नाम प्रचलित है। इतिहासकारों के अनुसार बाद में भारत में जब इस्लामिक आक्रमणकारियों द्वारा विश्वविद्यालयों और गुरुकुलों को जलाया गया, तब कई लाइब्रेरी को भी उनकी पुस्तकों समेत जला दिया गया, जिसमें काफ़ी जानकारी लुप्त हो गई, जिसमें नालंदा विश्वविद्यालय का इतिहास पॉल मॉनरोस की एनसाइक्लोपीडिया ऑफ हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन नाम की किताब में जानने को मिलता है। 1972 में डॉक्टर चंद्रमा प्रसाद गुप्ता ने भारत के महान संत महेंद्रदास, बधुदास और भक्त राम वृक्ष से मर्म चिकित्सा की प्रणाली को पुनः विकसित किया। उन्होंने इस चिकित्सा पद्धति को हिंदी में मर्मदाप चिकित्सा का नाम दिया। इस तरह उनको मर्म चिकित्सा के जनक के नाम से प्रसिद्धि मिली। उन्होंने पूरे भारतवर्ष में और विदेशों में इसके प्रचार और विकास के लिए इंडियन काउंसिल ऑफ एक्यूप्रेशर योग स्वास्थ्य जागरूकता मिशन और बिहार एक्यूप्रेशर योग कॉलेज की स्थापना की और उनके लिए कार्य किया। गुरुकुल कांगरी विश्वविद्यालय हरिद्वार उत्तराखंड में एंशियंट साइंस ऑफ मर्म थेरापी का कोर्स चलाया जाता है, जिसमें मर्म का विभाजन, प्रकार, पंच महाभूत से संबंध इत्यादि विषय में अभ्यास करवाया जाता है। दोस्तों, ये थी कुछ जानकारी मर्म चिकित्सा और उनसे जुड़े इतिहास के विषय में। यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो
तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। भारतीय संस्कृति के विषय में इस तरह की और जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।